फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त हिमानी और आप सभी का स्वागत है मिली किचन में। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूं 2 मिनट में चीले बनाना। तो आज हम सीखेंगे बेसन से चीले कैसे बनाए जाते हैं। और जिस जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा, जिससे आपको अच्छी अच्छी न्यू रेसिपी की जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसन का चीला बनाना। इसके लिए लिया है मैंने ये 2 कप बेसन और ये बारीक कटे हुए प्याज, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ये पानी है, इससे मैं इसमें पानी डालूंगी, थोड़ी सी हींग डालूंगी, धनिया, गरम मसाला, मिर्च, हल्दी और जीरा। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। सबसे पहले हमें बेसन को इस तरीके से एक बार दबा दबा के देखना है। ये मैंने छाना हुआ बेसन लिया है, आप भी बेसन को छान के ही यूज करिएगा। तो अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। इसमें हम 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा, 1/2 चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ी सी इसमें हम हींग डाल देंगे। नमक आपको अपने स्वादानुसार रखना है। मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक यूज कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने ये 1 कप पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है और आपको इसको इस तरीके से चलाते रहना है। इसमें जो मेरा पानी मैंने यूज किया है, 2 बड़े कप बेसन में 1 कप पानी लिया है। बस इसकी जो कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, यही रखनी है। इसको थोड़ी देर आपको इसी तरीके से फेंटना होगा, 2 से 3 मिनट इसको फेंटते हैं। अगर आप इस तरह से चीले बनाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगने वाला, जल्दी ही आप स्नैक्स में या मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए इस तरीके से। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने प्याज और धनिया काट के रखा था और ये हरी मिर्च, इसको हम एक साथ मिक्सअप कर लेंगे। आप चाहे तो इसको बैटर में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको बैटर में नहीं डालूंगी, मैं इसमें ऊपर से इसको यूज करने वाली हूँ। ये देखिए, अच्छे से मैंने ये मिक्स कर लिया है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम जरा सा इसमें ऑयल से ग्रेसिंग कर लेते हैं, जिससे कि हमारा चीला जो है वो नीचे नहीं लगने वाला। ग्रेसिंग कर ली है मैंने, गैस का फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इसको हीट कर लेंगे तवे को। तवा हमारा हीट हो चुका है, गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो करेंगे। अब चलिए इसको हम बैटर को इसमें डालेंगे। इसको आपको इस तरीके से किनारे से हल्का हल्का सा गोल करते हुए बड़ा करना है। ये देखिए, अब इसको सिकने देंगे थोड़ा सा।
और इस पर ये जो हमने हरा मिर्च और धनिया डाला था उसको हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा इस पर लगा देंगे। इससे इसका टेस्ट आप देखिएगा बहुत ही ज्यादा यमी आएगा। तो देखिए सिकाई हो रही है इसमें चीले की, आपको गैस थोड़ा सा मीडियम कर लेना है जिससे अच्छे से सिक जाएगा। इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग इस साइड से भी कर देंगे। तो जब तक ये नीचे से सिकेगा, अभी ये पूरी तरह से सिका नहीं है, तो जब तक हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं इस तरीके से, ये जिससे इसमें एडजस्ट हो जाए। तो देखिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है चीले को सेकने के लिए, तो आप देखिए बीच बीच में उठाकर देखते रहिएगा। अभी ये मैंने चेक किया है, ये देखिए साइड से ये पलट तो रहा है लेकिन अभी ये सिका नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा नाइफ की मदद से दिखाती हूँ क्योंकि ये फिसल रहा है। ये देखिए अभी अच्छे से सिका नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो आप थोड़ा टाइम लगेगा मीडियम पे करके इसको आपको सेकना है। तो चलिए इसे थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये सिक चुका है या नहीं। ये देखिए अच्छे से ये ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसे पलटने से पहले नीचे हल्का सा ऑयलिंग फिर से कर देंगे और अब हम इसको पलट देंगे। थोड़ा हल्के से प्रेस करिएगा। अब इसे सिकने देते हैं। तो ये देखिए नीचे से हम एक बार पलट के देख लेते हैं इसको, ये हमारा सिक चुका है अच्छे से। अब हम इसे प्लेट में डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने बेसन के चीले की, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितनी अच्छे से प्लेटिंग कर दी है। आप भी इसी तरीके से अपने घर पर ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में इसे बना सकते हैं और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो हमारे चैनल को आप इसी तरीके से देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।